हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2023 के लिए साइंस जीके के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस चैनल द्वारा जो है जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज भी किया जाता है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी जो है लाभ मिले। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स, उसका चार्जेस नहीं लिया जाएगा पीडीएफ नोट्स का, अगर आप फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि जो है की पॉइंट्स मैं बताते जाऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते जाऊंगी, उसको नोट डाउन करते रहना, ठीक है। कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत, जिसको लीवर भी कहा जाता है। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, तो सबसे भारी अंग जो है यकृत है। और ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के पूछा जाता है कि इसका वजन कितना है, तो इसका वजन रहता है फ्रेंड 1500 से 2000 तक का, ठीक है। 1500 से 2000 तक का वजन होता है, यानी कि मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? यकृत है। उसके बाद यानी कि सेकंड नंबर का जो भारी अंग है मानव शरीर में वो मस्तिष्क है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। सबसे भारी अंग कौन सा है? यकृत है। और सबसे यानी कि सेकंड नंबर का जो भारी अंग है वो है मस्तिष्क। आगे मैं बताऊंगी उसके बारे में, ठीक है, याद रखना। और ये शरीर में जो है डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करता है, ठीक है, यानी कि मानव शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं यकृत क्या करता है? उसको बाहर निकालने में मदद करता है, याद रखना। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट जो है अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है मानव शरीर का यकृत। इसीलिए जो है यकृत अगर खराब हुआ तो आपको जो सिस्टम है वो खराब हो सकता है, यानी कि बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी कि देखिए अगर इसमें जो है आपको डाउट हो सकता है फ्रेंड कि अगर हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है विटामिन के कारण, विटामिन के तो हमारे बॉडी में होता है, तो थक्का कैसे बनता है? थक्का देखो इसलिए बनता है जब फ्रेंड जैसे कि आपको चोट लगती है तो जो है बॉडी से बाहर जो है फ्लो होता है, तो उसमें क्या होता है आपको जो है ब्लड की कमी हो सकती है, यानी कि सारा जो ब्लड है अगर विटामिन के की कमी से वो जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है, विटामिन के की कमी है आपको, फ्लो होते जा रहे होते जा रहे, ठीक है। तो उसमें जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है। अगर विटामिन के आपके शरीर में भरपूर मात्रा में है, ठीक है, जितना आपको चाहिए विटामिन के, तो उस जो है विटामिन के क्या होता है जब चोट लगती है तो एक्टिव होता है और थक्का जमने में मदद करता है ताकि जो है ओवरफ्लो ना हो जाए, यानी कि फ्लो होते ही ना रहे, ठीक है। तो विटामिन के कारण जो है थक्का जमता है जब चोट लगती है तब, ठीक है, शरीर में हमेशा एक्टिव नहीं रहता। अगर एक्टिव रहता हमेशा तो जो है आपके शरीर में बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं होता, ठीक है, ब्लड फ्लो नहीं होता, वो क्लोट हो जाता, ठीक है, यानी कि क्लोटिंग होती। तो विटामिन के जो है जब चोट लगती है आपको तभी एक्टिव होता है और रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका फुल यानी कि साइंटिफिक नाम क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन के का साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइलोक्विनोन है, ठीक है, याद रखना, फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है, याद रखना। क्या मापी जाती है दूध की शुद्धता में? जैसे कि लैक्टोमीटर की सहायता से जो है दूध में मिलाए गए जो है पानी को जो है उसकी मात्रा को, यानी कि कितनी मात्रा में पानी जो है मिलाया गया है दूध में। बहुत सारे बिजनेस जो करते हैं दूध की, तो उसमें जो है शुद्ध दूध तो किसी को देते नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो पानी मिलाया जाता है तो कितनी मात्रा में मिलाया गया है ये जो है लैक्टोमीटर की मदद से जांच कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मेजर कर सकते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? लैक्टोमीटर की खोज किसने की थी? डिकास लियोन बत्तीस्ता अल्बर्टी ने की थी। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, दोनों वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज की थी। किस किस ने? डिकास, देखो विकास से विकास, डिकास, ठीक है, विकास डिकास, तो डिकास ने की थी लैक्टोमीटर की खोज। और दो वैज्ञानिक थे लियोन बत्तीस्ता,
32 से आप याद कर सकते हैं, लिवोन बत्तीस्ता, ठीक है, अल्बर्टी, लिवान बत्तीस्ता अल्बर्टी ने जो है लैक्टोमीटर की खोज की थी। किस किसने? डिकास, लिवान बत्तीस्ता अल्बर्टी ने खोज की थी। दो वैज्ञानिक हैं जो लैक्टोमीटर की खोज की थी। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 60 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के एक एक नंबर होंगे, ठीक है, याद रखना। 60 नंबर बहुत ज़्यादा होता है साइंस जीके का। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जो है उसको भी फायदा हो, ठीक है। और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का, जितने भी वीडियो का है, नोटिफिकेशन आपको मिले। तो पहला क्वेश्चन, सॉरी, चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है क्लाइडेन और श्वान ने किया था, ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी फ्रेंड? विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है, विलियम हार्वे ने की थी। ये जो है एक चिकित्सक थे जिन्होंने जो है रक्त में रक्त के संचलन की खोज की थी, और डी मोटुकार्डिस नामक एक पुस्तक में जो है एकदम अच्छे से समझाया गया है रक्त परिवहन के बारे में, ठीक है। विलियम हार्वे ने खोज की थी रक्त परिवहन की, कब की थी ये पूछा जाए, यानी कि सन पूछा जाए तो 1578 से 1657 तक जो है ये इन्होंने खोज किए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, यानी कि बीपी कौन से किसमें मापा जाता है? बीपी जो है स्फैग्मो मैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है, स्फैग्मो मैनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है, रक्त दाब याद रखना। और इसका आविष्कार किसने किया? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रिटर फॉन बॉस ने किया था, ठीक है, सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रिटर फॉन बॉस ने किया था, और कब किया था? 1881 में किया था, ठीक है, 1881 में किया था, याद रखना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर भाग यानी कि रूप कहा जा रहा है इसमें, ठीक है, कठोर रूप कौन सा होता है? तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा है, ठीक है, हीरा जो है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है। और बाकी अन्य हम देखें, ठीक है, अगर हीरे की जगह कुछ भी दे रहे, ठीक है, यानी कि शुद्ध कार्बन का रूप कौन सा है, ठीक है, तो ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है और चारकोल, ठीक है, याद रखना, ग्रेफाइट फ्लोरीन और चारकोल है शुद्ध कार्बन का रूप, ठीक है, याद रखना। और कठोर रूप कौन सा है? हीरा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है फ्रेंड? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, ठीक है, जिसको सी डी से दर्शित करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रदर्शित करते हैं सी डी से, याद रखना। अगर कैंडेला की जगह पे सी डी दिया रहा है तो सी डी को आपको जो है राइट क्लिक करना है, ठीक है। और ज्योति फ्लस्क का मात्रक है ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लस्क का मात्रक है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है फ्रेंड? सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को और भी नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि बॉडी का जो है, यानी कि सॉरी, कोशिका का जो है पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है एनर्जी बनता है, ठीक है, एनर्जी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का ऊर्जा घर है, एक तरीके से कोशिका का ऊर्जा घर है, जहाँ पे ग्लूकोज का जो है विखंडन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है, और केमिकल एनर्जी उत्पन्न होता है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4,
ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क जो है इसका जो भार होता है 1350 होता है, ठीक है। यानी कि इस ऑप्शन में अगर आपको जो है क्वेश्चन में यानी कि आपके एग्जाम में अगर पूछे कि मानव मस्तिष्क का भार कितने ग्राम का होता है और दिए रहे 1400 तक, दिए रहे अगर ऑप्शन 1300 से 1400 के बीच अगर कोई भी ऑप्शन दिए रहे तो आपको क्लिक करना है। तो मानव शरीर के मस्तिष्क का जो भाग है यानी कि ग्राम है तो वो जो है 1300, सॉरी ठीक है, 1 मिनट, 1300 से 1400 के बीच होता है, ठीक है, 1300 से 1400 के बीच होता है। अगर 1300 से 1400 के बीच कोई भी नंबर दिए रहे, ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर दिए रहे फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, 1400 से 1300 से 1400 के बीच ऑप्शन दिए तो आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और लीवर के बाद जो है सबसे भारी जो अंग है वो मस्तिष्क है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? देखिए वायुमंडल की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। वायुमंडल की जो आर्द्रता है, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किसको कहा जाता है? जैसे कि जलाशयों में यानी कि समुद्र में वाष्पीकरण और पौधों में वाष्पो उत्सर्जन से जो है प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि जल वाष्प को कहा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता, उसको जो है मापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शरीर के से हृदय की ओर रक्त से रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? यानी कि शरीर के से जो है हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? सीरा कहलाती है, ठीक है, सीरा कहलाती है, याद रखना। इसमें जो है शरीर में दो प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है, जैसे दो प्रकार के बोलने से जो है धमनियां, और धमनी जो है रक्त प्रवाह करती है, और सीरा, ठीक है, याद रखना। धमनी जो है एक ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है हृदय से दूर जो है शरीर में बाकी हिस्सों में, ठीक है, हृदय से दूर शरीर में बाकी हिस्सों में जो है प्रवाह करती है, ठीक है, धमनी। और लेकिन सीरा जो है, सीरा क्या करती है? सीरा ऑक्सीजन रहित यानी कि ऑक्सीजन फ्री जो ब्लड होते हैं उसको वापस हृदय में ले जाती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आत्महत्या की थैली? क्योंकि देखो लाइसोसोम में जो है एक डाइजेस्ट एंजाइम होते हैं यानी कि पाचक एंजाइम्स होते हैं, जब कोशिका जो है नष्ट होती है यानी कि लाइसोसोम जो है नष्ट होती है यानी कि फट जाती है, ठीक है, तो ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाती है, ठीक है, वो जो है एंजाइम की मदद से क्या कर लिए जाते हैं, एंजाइम है ये, ठीक है, एंजाइम है, तो ये जो है एंजाइम है, ये क्या करेगा, इसको खा लेगा, ठीक है, पचा लेगा ये एंजाइम, ये जितने भी फटे हुए कोशिका हैं लाइसोसोम है उसको क्या करता है, ये एंजाइम खा लेता है। तो इसीलिए जो है लाइसोसोम को कोशिका यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये जो मर जाती है यानी कि डेड हो जाता है लाइसोसोम, फट जाती है, तो जो है उसमें जो एंजाइम होते हैं पाचक एंजाइम वही जो है सेल्स को खा लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? देखिए हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है फ्रेंड? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। अगर हम पूछें यानी कि एग्जाम में पूछा जाए कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है और महिलाओं में कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की यानी कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है पुरुषों में अगर हम बोले तो 13.5 से 17.5, ठीक है, 13 से
17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होते हैं, ठीक है, याद रखना। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो है 12 से 15.5 ग्राम डेसीलीटर होता है, ठीक है, याद रखना। महिलाओं में कितना होता है, 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और पुरुषों में 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, याद रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो मस्तिष्क के पास जो है उपस्थित होता है, ठीक है, यानी कि ये मस्तिष्क है, ठीक है, ये मस्तिष्क है, ठीक है। तो इसमें जो है एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है, छोटी सी, एक मटर के दाने के समान होती है, लेकिन वो बहुत काम की चीज है, ठीक है। छोटी सी ग्रंथि होती है, मटर के दाने से भी छोटी, तो मस्तिष्क के पास होती है, और इसे जो है इस मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और साथ ही ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है स्रावित करती है मानव शरीर में, जो दैनिक जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होता है मानव शरीर के लिए। और इसको जो है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कवकों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ फंगस, यानी कि स्टडी ऑफ फंगई का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं कि कवक जो है, कवक को इंग्लिश में फंगस कहते हैं, तो उसको क्या क्या करा जाएगा, फाइको, फो से फंगस, फो से फाइको, लेकिन नहीं, इसको जो है माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत करते हैं, फाइकोलॉजी लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, माइकोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ फंगस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक की टीटक टीके की जो खोज है एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है, किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी, कब की थी, 1976 में की थी, ठीक है, 1976 में इन्होंने की थी चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, तो शरीर का घाव जो है विटामिन सी के कारण जल्दी भर जाता है, ठीक है, याद रखना, विटामिन सी के कारण जल्दी भर जाता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो किस विटामिन पाया जाता है कोबाल्ट, तो एकमात्र विटामिन है जिसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन 12। विटामिन 12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर होता है केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, बीच में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, याद रखना, उसका केमिकल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो आपको जो है पता होगा बीच में कोबाल्ट पाया जाता है, और इसकी कमी से जो है क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, यानी कि खून की कमी होती है। तो इसके साइंटिफिक नाम क्या है, कोबालामिन, ठीक है, कोबालामिन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट है, ठीक है, कोबालामिन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है बेसेक्टोमी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है फ्रेंड न्यूमेस्टमिक, ठीक है, न्यूमेस्मैटिक जो है कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को, ठीक है, न्यूमेस्मैटिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी, याद रखना।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग कैसे लगती है, देखिए फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, जलयुक्त फेरस और जो है फेरिक ऑक्साइड से, और क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से लगती है, यानी कि तीनों से लगती है जंग, ठीक है, लोहे पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन को खोज किसने की थी फ्रेंड, फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग ने, यानी कि बैंटिंग ने की थी। इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिन्होंने जो है किसने की थी 1921 में, 1921 में बैंटिंग ने की थी, यानी कि इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग। इन्होंने जो है इंसुलिन की खोज की थी, कब की थी, 1921 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण। उसमें जो है जब निर्माण किया जाता है वनस्पति, यानी कि वनस्पति घी बोल सकते हैं, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी जब तैयार किया जाता है तब वो हाइड्रोजन डाला जाता है, इसलिए जो है हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु जो है स्टील है, ठीक है, स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहा और कार्बन होता है, ठीक है, लोहा और कार्बन मिलाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो ईंधन गैस कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है लाफिंग गैस। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्रेंड। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारे पीडीएफ नोट्स जो है फ्री में आपको मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।